दोस्तों स्वागत है टेक्नो जुगाड़ की एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा इंस्टाग्राम रील्स में आने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पर लिखा आता है कुड नॉट ऐड क्लिप। जब भी आप सभी लोग रील्स को अपलोड करते हैं वहाँ पर यह शो होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आज मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा, कुछ स्टेप बताऊँगा, उनको फॉलो करें और आपका यह एरर सोल्व हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं, वीडियो को ध्यान से देखें और कहीं पर भी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्ले स्टोर में जाना होगा। जाने के बाद इसमें अपडेट को चेक कर लेना है, अपडेट मिलता है तो उसको कर लेना होगा। और हम बता दूँ आपको अपने नेटवर्क को काफ़ी अच्छे से रखना होगा, नेट की स्पीड जो है काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। और हम बता दूँ जैसे कोई मूवी का सीन होता है, करीबन आपके पास 5 मिनट की कोई वीडियो पड़ी हुई है और आप सभी लोग उसके अंदर से 30 सेकंड का कोई क्लिप निकाल करके इंस्टाग्राम रील्स में अपलोड करना चाहते हो तो वहां पर अपलोड नहीं होता है। करीबन आपकी जो वीडियो है वो 3 मिनट से कम की होनी चाहिए, उसके अंदर से ही इंस्टाग्राम एप्लीकेशन रील्स को निकाल पाता है, शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट कर पाता है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें। और ध्यान रखें आप सभी लोग इंस्टाग्राम के अंदर, इंस्टाग्राम रील्स के अंदर सेम वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि जो वीडियो, जो रील्स इंस्टाग्राम के अंदर अपलोड है उसी रील्स को आप सभी लोग अपलोड नहीं कर सकते। उसमें आप सभी लोग कुछ ना कुछ एडिटिंग करें, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाएँ, उसके बाद में आप सभी लोग उस वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। इन दोनों बातों का ध्यान रखें, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को हमेशा अपडेट रखें और नेटवर्क की स्पीड काफ़ी तेज़ रखें। और जो मैंने आपको 2 बात बताई हैं इनका भी ध्यान रखें तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आती है उसे प्रेस करते जाएं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।